नहीं है आप वापस जा रहे हो ना? हाँ, 45 किलोमीटर होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। कम से कम तीन जगह मैं जाके आ गया हूँ, तीनों जगह मुझे मिला सुना बड़ा। एक क्लच वायर है छोटी सी जो मिल जानी चाहिए लवीस करके गर्ल फिट, तो यहाँ एक बार पता कर लेते कि अरे हाँ मिल जाए, वहाँ भी नहीं है, चौथी जगह भी नहीं मिला। मैंने लिया था मनाली से, मनाली से लेकिन मुझे गलत मिला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम ना आपके कल चलन से ना लगभग 5 मिनट बाद हम रुक गए थे, तो ये रूम हमने लिया हुआ था और अभी ना हम ये रूम खाली करके निकल रहे हैं। यहाँ से सामान सारा अपना हाथ में पकड़ लिया है और ये कैमरा है। तो ये बाहर का नज़ारा है जहाँ हम रुके हुए थे, और होटल कश्मीर दरबार नाज स्वीट्स इसका नाम। और यहाँ अपनी बाइक पार्क करके रखी थी बढ़िया करके, और अपना पूरा सामान पैक करके आगे एक रेस्टोरेंट है जहाँ हमने कल रात खाना जाता देसी घी में, इतना टेस्टी खाना था और मात्र 100 रुपये का। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे को। और हमको जाना है इस तरफ, ये 4 लेन रोड है, तो आगे जाके हमको बहुत अच्छा रास्ता मिलने वाला है, तो चलते हैं आगे को। भैया ब्रेकफास्ट हो गया, यहाँ पर करा था और अब निकलना है यहाँ से आगे को, सीधे ये वाला रास्ता है और आगे आके जम्मू का हाईवे ये चल रहा है। तो हम चलते हैं इसे रास्ते पे और आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारे। रोहित लोग अभी यहीं पे हैं, वो लोग रुके हुए हैं, थोड़ा काम था उनका, तो वो वैसे कि मेरे को आगे मिल जाएंगे, तो मैं सोचा कि आगे आगे अपना चल देता हूँ। तो अभी ना मैं उधमपुर पहुँच गया था। उधमपुर में मैं ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया हुआ था। एक्चुअली मुझे ना मेरी क्लच वायर टूटी थी, तो मैंने जम्मू भी ना अपने क्लच वायर के लिए पता करा, लेकिन ना वहाँ भी क्लच वायर नहीं मिला था और यहाँ भी नहीं मिल पाया। और आगे ना अभी कम से कम मुझे ये क्लच वायर को ना बहुत आगे तक खींच के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ना और रॉयल एनफील्ड के शोरूम नहीं है। एक्चुअली यहाँ ना आपको रॉयल एनफील्ड के शोरूम नहीं मिलेंगे, इस चक्कर से परेशानी हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इंतजाम हो पाता नहीं हो पाता। तो अभी ना मैं हाईवे में था और अपना इंजन ऑयल चेंज कर रहा था, और बाकी तो पीछे रह गए भाई लोग। जो बिक्की रेस्ट कर रहा है उसको नींद आ रही थी, और मैं सोचा कि जब तक वो रेस्ट करता तब तक मैं अपना इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ। तो हाईवे से कनेक्ट की दुकान थी, तो यहीं अपना भी इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवा के फिर वापस पीछे जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहीं पर। तो भैया इंजन ऑयल मैंने बदल दिया है, हमको जाना है अब अमृतसर। तो चलिए चलते हैं अमृतसर वाले रास्ते पे और आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत से अमृतसर के नज़ारे। नहीं है क्या नाम है जगह? लवी शॉट मोबाइल कठुआ में, करोड मोबाइल। कम से कम तीन जगह में जाके आ गया हूँ, तीनों जगह मुझे निराश होना पड़ा, तीनों जगह पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। एक क्लच वायर है छोटी सी जो मिल जानी चाहिए, कितना दिलाओगे? बोले 45 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ एक बार पता कर लो। तो चलो आगे पता करते हैं एक बार। ये चौथी जगह है लवीस करके रॉयल एनफील्ड, तो यहाँ एक बार पता कर लेते, कहते हैं यहाँ मिल जाए, अभी तक तो कहीं भी नहीं मिला। तीन जगह पता कर लिया। कठुआ में? हाँ, वहाँ भी नहीं है। सर जी आपको मिलेगी पठानकोट। अच्छा पठानकोट ही मिलेगी? जी जी सर। अभी आपका स्टे कहाँ पे है? हमारा स्टे है अमृतसर। अच्छा अमृतसर है अभी? हाँ अमृतसर तो मिल जाएगी। हाँ 100% मिल जाएगी। हाँ चौथी जगह भी नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। चलिए कोई बात नहीं। जम्मू में आपने पता नहीं क्या? जम्मू से ही पता करके आ गया मैं। नहीं मिला जम्मू से? वहाँ भी नहीं है। हमने एंट्री कर ली ऑफिशियली। तो
अमृतसर के रास्ते में था मैं, और अमृतसर के रास्ते में लगभग 40 मीटर पहले मैं रुक गया हूँ चाय पीने के लिए, दुकान हो गई थी। कहते हैं रोहित भी पीछे है और विक्की भी बहुत पीछे है, तो मैं सोचा कि एक चाय पी ली जाए और उनका वेट भी हो जाएगा, इसी बहाने थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएगा। तो बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसका फिर मिलते हैं आपको आगे दोबारा। तो भैया चाय पी ली है और चाय बड़ी टेस्टी थी। अब ना रोहित क्या कहते हैं विक्की तो पीछे आगे चले गई है, और उसके दो तीन बार फ़ोन करा मैंने, वो उठाया नहीं क्योंकि वो बाइक चला रहा था। तो मैं जाता हूँ उसको कैसे कहता हूँ, एक्चुअली हम लाइव लोकेशन लेके चल रहे हैं, तो जो भी आगे पीछे होगा वो पता चल जाएगा। तो वो आगे चले गया है, तो पिक करता हूँ। अभी यही आना है, हमने कौन सा छोड़ के जाना है यार। तो मैं वो नहीं कह रहा, मैं बार बार चार मिनट वेट कर सकता हूँ, बुलाना मान लिया क्या मेरी चार बार पहुँच जाओ भैया, आ रहे हैं भी नीचे भैया, गाड़ी तो पार्किंग करनी है। अरे अंदर अंदर घुसने से पहले तुम पेमेंट ले मांगे जा रहे हो, तुम रूम मिले था सर, पहले रूम मिले था यहाँ, तो पहली बार ही ले रहे भैया। हाँ तो यहाँ पहली बार भैया फाइनली रूम पे आ गए, और रूम पे आने के बाद ना और नहा धो के बैठ गया हूँ, हल्की हल्की नींद आने लग गई थी तो सो गया था अचानक से। तो सोचा ब्लॉग तो एंड करना नहीं, ब्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आपने मेरी ये ब्लॉग यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर जाइएगा, आपको भी बहुत सारी नींद भरी पड़ी है। तो प्लीज़ कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।